हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहू। सो गाइस, फाइनली जनाब लगता है लोगों के ट्रोलिंग के वजह से और लोगों के कहने के वजह से अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहे हैं। अभी वैसा ऐसा तो क्या है कि जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग कहते हैं जनाब, ठीक उसका उल्टा ही करते हैं। लेकिन इस बार जो है, इस बार वैसा नहीं हुआ। जो हम लोगों ने कहा, जो हम लोगों ने बोला जनाब ने, मतलब हल्का फुल्का मिलता जुलता वैसे ही किया है। काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे कि जनाब ने अपनी मैडम का कोई अपडेट नहीं दिया, अपनी मैडम का कोई अपडेट नहीं दिया। मैंने भी अपने वीडियोस में बहुत बार कहा है कि जनाब ने मैडम का कोई अपडेट नहीं दिया, जच्चा बच्चा दोनों सही है, ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया। बस खाली मुबारकबाद बांट रहे हैं और खाली ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे लड़का हुआ है, मुझे लड़का हुआ है, खाली गुरूर अपना दिखा रहे हैं, बात बाकी हेल्थ अपडेट कुछ भी नहीं दे रहे हैं। सो आज जनाब ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, अपनी स्टोरी पे लगाया है कि शी इज़ फाइन, एंड वहाँ पर दीपिका कक्कर इब्राहिम यानी हमारी फैज़ा बेगम जनाब की प्यारी वाइफ, जो कि अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी को ख़त्म कर करके एक बच्चे की माँ बन गई है, वो अभी सही है। एंड जनाब ने अपने स्टोरी पर ये लिखा है कि शी इज़ फाइन, और उसके साथ साथ मैडम की एक पिक्चर भी डाली है जिसमें वो दिखाई दे रहा है कि हाँ मैडम कुछ खा रही है, एंड शी इज़ वेल। जैसा उनका डार्क सर्कल वाला फेस रहता है वैसा ही फेस है, बट नाउ शी इज़ फाइन। देखने से भी समझ में आ रहा है कि हाँ ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं है, मतलब प्री मेच्योर डिलीवरी हुई है तो इतना कोई बड़ा सीरियस मैटर या फिर बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन इस टाइप से वैसा कुछ नहीं हुआ। उनका उनके फेस से तो, मैडम के फेस से तो यही समझ में आ रहा है। अब इंटरनली क्या है नहीं है वो तो खैर मैडम और उनके डॉक्टर ही बेटर जानेंगे, लेकिन देख करके अच्छा लगा जनाब कि चलिए कम से कम अपनी वाइफ का तो इतना तो केयर आप कर रहे हो। अब ये पिक पता नहीं है जनाब ने क्लिक किया या फिर बच्चों में से किसी ने किया या किसी ने किया पता नहीं, लेकिन देख करके समझ में आ रहा है कि हाँ जनाब इस टाइम पे तो कम से कम अपनी वाइफ के साथ में है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में तो जनाब को खैर शूटिंग से ही फुर्सत नहीं थी, उनका जो हेक्टिक शेड्यूल था उस हेक्टिक शेड्यूल से ही उन्हें फुर्सत नहीं थी, लेकिन कम से कम अब डिलीवरी होने के बाद तो खैर जनाब अपनी वाइफ के साथ में हैं, उनका केयर कर रहे हैं। सो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही जनाब आप अपनी वाइफ की केयर करिए। आफ्टर ऑल अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, इससे पहले भी थी जिसे आपने किस तरह से निभाया वो तो आप भी जानते हो, लेकिन अभी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ने ही वाली है, बढ़ चुकी है, तो उसे भी थोड़े अच्छे से निभाइएगा, अच्छे से टेक केयर करिएगा। एंड आई विश कि आप, आपकी वाइफ और आपका बच्चा, आप लोग तीनों अच्छे से रहे। हम आपके कोई खास दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हाँ जैसा आप लोग करते हैं उस हिसाब से हम अपना रिव्यू देते हैं, बात बाकी हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है। हमारे दिल में भी आपके लिए फेथ है, हमें भी अच्छा नहीं लगता इस तरह से कि कोई इंसान अपनी वाइफ को इस तरह से करे, या फिर कोई लड़की किसी से किसी के चक्कर में इस तरह से अपने रिलीजन वगैरह को छोड़ दे। तो खैर ये सब जाने दीजिए, ये सब दूसरी बातें हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही कि आप अपनी वाइफ की केयर करिए, अपने बच्चे की केयर करिए, अपनी फैमिली की टेक केयर करिए और अच्छे से रहिए। फ़िलहाल इस ड्यूरेशन में तो कम से कम अपनी वाइफ की सपोर्ट करिए। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल पे बने रहें, हम रोज़ न्यू पॉडकास्ट लाते रहेंगे और इब्राहिम फैमिली की पोल खोलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।